एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाज क्लासेस बाय अनुपम सर। शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 2, फायर एंड आइस, आग और बर्फ को। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों एक ही वीडियो में सब कुछ है, ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, पोयम मिल जाएगा, सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा और आपको MCQS मिल जाएगा और जो भी जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ मात्र एक वीडियो में। अगर वीडियो चालू किए हैं तो पूरी एक वीडियो, वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। तो फुल वन शॉट वीडियो पूरा तैयार कर लीजिए, आग और बर्फ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं अभी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की वीडियो पाने सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 10th में तैयारी कर रहे हैं तो और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, प्लीज प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और पूरी वीडियो फुल तैयारी जरूर देखें। तो यहां दिया गया है आपका फायर एंड आइस। क्या दिया गया है यहां पर? यहां पर है आपका फायर एंड आइस और इसका अर्थ होता है आग और बर्फ होता है, ठीक है। और इसको लिखा किसने है, ठीक है, तो इसको लिखा है जिन्होंने, उनका नाम जो है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो प्लीज़ आप सभी लोग याद कर लीजिए मेरे साथ कि फायर एंड आइस को किसने लिखा है, फायर एंड आइस को जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्लीज़ सभी लोग तैयार कर लीजिए, प्लीज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट सभी लोग तैयार कर लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबको याद हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, RORBERT FROST। प्लीज़ कंप्लीट हो गया, एक नंबर क्लियर हो गया सबका, सबका एक नंबर क्लियर हो गया। उसमें दिया रहेगा स्टेंजा, इसको किसने लिखा है, हु इज कंपोज्ड बाय दिस स्टेंजा, तो आपको पता होना चाहिए। वो पहली बात तो पोएम आपको पता होना चाहिए, वो पोएम है किस चैप्टर का। अगर वो फायर एंड आइस का है तो उसको कंपोज किया है किसने, तो उसको कंपोज करता है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करछुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैडल, ठीक है। यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पर क्या दिया है? स्टेंजा फॉर कंप्रीहेंशन। यहाँ क्या दिया है? स्टेंजा फॉर कंप्रीहेंशन, यहाँ दिया गया है स्टेंजा फॉर कंप्रीहेंशन दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, बेस्ड ऑन देम। सबसे पहला, सम से द बर्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस, From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. कवि कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं the world will end in fire, यह संसार आग में समाप्त हो जाएगा। आग से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ में समाप्त होगा या इस संसार का अंत बर्फ करेगा, ठीक है। From what I have tested of desire, ठीक ना, I hold with those who फेवर फायर। कवि कहता है इच्छा क्या है? अग्नि की समान है और असीमित इच्छा संसार के अंत का क्या बनेगी? कारण बनेगी, ठीक है ना। तो अर्थ आपको समझ में आया होगा, लेकिन अर्थ आपका मायने नहीं रखता है, अर्थ आपका नहीं आता है। पोयम चार लाइन का है, चार लाइन पोयम देख लीजिए और अगर आपको फोर लाइन पोयम्स लर्न करना है तो एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप लर्न कर लीजिए। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिलास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टम्बलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर वन यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है? द पोएट, यहाँ क्या बोला गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द पोएट कंसिडर्ड डिजायर एज फायर इज, ठीक ना। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ होगा? मतलब कवि ने क्या बताया है, मतलब यहाँ पर कवि इच्छा को किससे तुलना करता है? इच्छा की तुलना, ठीक ना, तो वो करता है आग से। ये बात सत्य है या असत्य? तो यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है सत्य है। ये क्या है? सत्य है 100%। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सभी को लर्न हो गया। प्लीज़ आप टिक कर सकते हैं, अपनी किताब में लिख सकते हैं, प्लीज़ आप तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड, प्लीज़ अगर सीबीएसई वाले देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ आप तो बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड वाले हों चाहे सीबीएसई वाले हों, दोनों लोग मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी फुल सपोर्ट करिए, ठीक है ना। प्लीज़ अभी भी अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को तैयार जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो द पोएट कंसीडर्ड डिजायर एज फायर, फायर इज पहला हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ अर्थ। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर मतलब किस प्रकार की इच्छा विल बनेगी काज, कारण, द एंड ऑफ द अर्थ, किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के समापन का कारण बनेगी या पृथ्वी की समाप्ति का कारण। तो यहाँ लिखा गया है अनलिमिटेड डिजायर। क्या लिखा गया है?
अनलिमिटेड डिजायर विल कॉज, ठीक है, यहाँ सी ओ यू आर या सी कॉज सही कर लो, कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड डिजायर विल काज, ये काज आपको सही करना है, सी ए यू या सी करना है, सी ए यू या सी करना है, इसको सही कर लो, विल द काज ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, याद रहेगा अनलिमिटेड डिजायर। वेरी नाइस, व्हाट टाइप ऑफ कार्ड दीजिए, अनलिमिटेड डिजायर, सब कुछ पूरा लिख दीजिए, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चल। हेलो गाइस, कचौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाई। तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है? तो टू पॉपुलर व्यूज, कितने पॉपुलर व्यूज, टू पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द अर्थ, प्लीज क्या बोला गया है, कवि दो, कितने प्रसिद्ध, दो, टू पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। केवल आपको हाउ मेनी कार्ड देना है और यहाँ लिख देना है टू, बाकी सब कुछ वैसे उतार दो, बाकी सब कुछ वैसे उतार दो, तुरंत लर्न कर लीजिए मेरे साथ, एकदम सिंपल सी तैयारी, सबसे कमजोर छात्र 90+ लेकर आएगा, सबसे कमजोर छात्र मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 95, 96, 97, 98, 99, 100 इतने रिकॉर्ड हैं, सबसे सरल सबसे सिंपल, ठीक है ना। तो अगर अभी भी आप वीडियो को छोड़ करके जा रहे हैं तो अपनी लाइफ की बर्बाद करके जा रहे हैं, लाइफ की बर्बादी बंद करके पूरी वीडियो देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। हेलो गाइस, आपको पता है कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया, क्या आपको पता है, शायद नहीं, तो हम बताते हैं आपको, साइकिल का आविष्कार पता है किसने किया, साइकिल का आविष्कार मैक मिलर ने किया, लेकिन मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया शायद आप नहीं जानते, तो चलिए बताते हैं मोटरसाइकिल का आविष्कार कौन है, मोटरसाइकिल का जिन्होंने आविष्कार किया उनका नाम था कोस्टार्ट के जी डेमलर, क्या नाम था उनका, कोस्टार्ट के जी डेमलर, इसी तरीके के अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग था, आविष्कार करता, आज ये चीजों को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर चार तरफ चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर द नेम ऑफ द पोयम इज फायर एंड आइस, क्या होगा, फायर एंड आइस, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है, और इनवर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे फायर एंड आइस, प्लीज प्लीज, चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर सा तरीका है, ठीक है, चलो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा आ गया, सेकेंड स्टेंजा आ गया, क्या दिया है, But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. Would suffice. तो poem आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, चलिए हम इसके question answer लेके चलते हैं, जो most important है, जो आपके exam के लिए है, ठीक है ना, फालतू नहीं कम पढ़ना, क्या लिखा है, Odenness is the poet of the stanza. इस स्टेंजा मतलब इस पद के कवि ओडेनेस है, ये बात सत्य है या असत्य है, ये बात सत्य या असत्य है, तो सीधा सीधा ये बात क्या है, ये बात सीधा सीधा असत्य है, ये बात सीधा सीधा क्या है, ये बात सीधा सीधा असत्य है, क्यों, क्योंकि इस पोयम जो फायर एंड आइस है उसके जो कवि हैं, उसको जिन्होंने कंपोज किया है, उसके जो पोएट हैं वो हैं अपना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने स्टार्ट में चिल्ला चिल्ला के याद कराया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, चलिए। हेलो गाइस, अकबर के शासनकाल के नौ रत्नों को ज्ञात करने की सबसे सिंपल और सबसे आसान ट्रिक, वो ट्रिक है क्या चीज जो आपको तुरंत याद हो जाएगा, जो कभी भी नहीं भूलेगी, वो है क्या, बैट बैट एम डी एच, क्या चीज है, बैट बैट एम डी एच, मतलब बी ए टी बैट, बी ए टी बैट एम डी एच, आपने सुन लिया, चलिए इसके बारे में बताते हैं, यहां पर बैट, पहले वाला बैट मतलब बी ए टी, बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, फिर बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से टोडरमल, यम से मानसिंह, डी से दो प्याजा मतलब मुल्ला दो प्याजा, एच से हाकी हुक्काम, तो इस प्रकार हम बैट बैट एम डी एस से अकबर के नौ रत्नों को, अकबर के शासनकाल के नौ रत्नों को बहुत आसान से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक जान करके आपको कैसा लगा, इसी तरीके के अमेजिंग ट्रिक और ट्रिक की दुनिया, अमेजिंग फैक्ट्स, तथ्य, हेल्थ टिप्स आदि पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर सिक्स तरफ चलते हैं, व्हाट सिंप्लाइज आइस, बर्फ किसको इंगित करता है, किसको संकेत करता है, तो हेट्रेड किसको संकेत करता है, हेट्रेड, हेट्रेड किसको, हेट्रेड सिंप्लाइज आइस, तो व्हाट काटिए, हेट्रेड लगाइए, पूरा उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है या नहीं, सिंपल ट्रिक बाई बाला सर, प्लीज चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या लिखा है,
क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंप्लाइज्ड विथ, कवि की इच्छा के अनुसार के द्वारा प्रश्न करता है, किसके द्वारा, फायर आग के द्वारा, किसके द्वारा, आग के द्वारा, प्लीज किसके द्वारा रहेगा ये, आग के द्वारा, फायर के द्वारा, ठीक है ना, याद रहेगा किसके द्वारा करता है ये डिजायर की, डिजायर को सिखाता है फायर के। क्वेश्चन नंबर चार क्या लिखा है, बाई हूम द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज, फायर एंड आइस किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है, आ गया क्वेश्चन, तो यहां लिखोगे फायर एंड आइस, इन्वर्टेड कामा में लिखोगे ब्लैक पेन से, पोयम इज कंपोज बाई, किससे लिखोगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्लैक पेन से लिखोगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, प्लीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सभी को याद हो गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, यहाँ पर है सेंट्रल आइडिया, क्लियर कर लीजिए, क्लियर कट, सेंट्रल आइडिया एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिखा है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों समझ लीजिए, क्या लिखा है, द पोएट हैज ट्राइज टू ब्रिंग द डिफरेंसेज बिटवीन द फायर एंड आइस, कवि हैज ट्राइड, प्रयास करता है टू ब्रिंग, लाने का, द डिफरेंसेज मतलब होता है अंतर, बिटवीन माने बीच में, द फायर एंड आइस आग और बर्फ के बीच में, तो कवि आग और बर्फ के बीच में डिफरेंस मतलब अंतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, ट्राई करता है, विच मतलब जो रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट मानी बताती है, शो करती है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो कि हमें दो काइंड मतलब होता है प्रकार, दो प्रकार के लोगों के बारे में बताती है, जो हमें दो प्रकार के लोगों के बारे में रिप्रेजेंट करती है, बताती है, दिखाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई, पेरिस बाई फायर एंड ऑल्सो बाई आइस, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू द कवि, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश, द वर्ल्ड मतलब यह दुनिया, कैन पेरिस बाई फायर आग से, पेरिस मतलब नष्ट हो सकती है, बाई फायर आग से, एंड ऑल्सो बर्फ से भी नष्ट, मतलब कवि कहता है कि यह संसार, यह दुनिया जो है बर्फ से भी नष्ट हो सकती है और आग से भी नष्ट हो सकती है, इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्वाइस, इस प्रकार यह कितनी बार नष्ट हो सकती है, पेरिश ट्वाइस, दो बार यह नष्ट हो सकती है, वन बाई फायर, एक आग से, एंड देन बाई आइस, या फिर बर्फ से, आग से या फिर बर्फ से, द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटरेटेड इज ऑल्सो पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, द पोएट फील्स, कवि को अनुभव होता है दैट की द आइस ऑफ हेट्रेसिस मतलब द आइस ऑफ हेट्रेट, हेट्रेड मतलब घृणा क्या है, बर्फ की उतनी एज पावरफुल, उतनी शक्तिशाली होती है एज द फायर, जितना कि आग डिजायर ऑफ ब्रिंग टू कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिस दुनिया का पूर्ण अंत करने की इच्छा में, ठीक है ना, तो आप पोएम का ये सेंट्रल आइडिया के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड्स प्लीज सभी लोग, चलिए आगे चलते हैं, अगर आपका, हेलो गाइस, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिनल केक, आपका चार लाइन पोएम से काम चलता है तो फोर लाइन पोएम प्लीज लर्न कर लीजिए, यहां पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो आप सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, सभी लोग जान रहे हैं पूरा पूरा, पहले का बी आंसर इज राइट आंसर, बी होगा यहाँ पर, प्लीज पहले का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर, चलिए क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, चलिए सेकेंड क्वेश्चन याद किया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर, ठीक ना, पोएट ने फायर का कंपेयर किससे किया है, तो डिजायर से किया है, किससे किया है, डिजायर से किया है, प्लीज क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको क्लियर रहेगा, कभी भी भूलेगा नहीं, आंसर आपको याद रहेगा, कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं, इसी को देख लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मतलब क्या चीज होता है, थ्री का तो हमने बताया था, पेरिस का मतलब होता है नष्ट, बर्बाद, ठीक है ना, रुइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डाई, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, डाई होता है, प्लीज क्या होता है, वो डाई होता है, याद रहेगा, ठीक है ना, याद रहेगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर थ्री का सी ऑप्शन इज राइट आंसर है, क्या लिखा है, वेयर हैज ही यूज पर्सनिफिकेशन, यहाँ पर किसको पर्सनिफाइड किया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों को पर्सनिफाइड किया गया, किसको किसको, ठीक है, यहाँ पर दोनों को, आग को मतलब फायर को और आइस को, दोनों को, तो इसका जो हकीकत आंसर सही होगा वो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी राइट आंसर है, डी क्या है, राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक ना, तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
सभी लोग एक स्क्रीनशॉट करिए, ऐसे ही करिए, ऐसे याद रहेगा आपको, पूरा याद रहेगा, ठीक है ना, कभी भूलेगा नहीं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो तुरंत याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ हो जाएगा इमेजरी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यहाँ हो जाएगा इमेजरी 5 का बी, 5 का क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी, वो क्या है, इमेजरी है, कोई दिक्कत नहीं है, इमेजरी है। चलिए, व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस का सिंबल क्या है, आइस का सिंबल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आइस का सिंबल हैट्रेड है। आइस का सिंबल क्या है, आइस का सिंबल हैट्रेड है। आइस का सिंबल क्या है, हैट्रेड है, याद रहेगा। और फायर का सिंबल क्या है, डिजायर। फायर का सिंबल क्या है, डिजायर, बहुत बढ़िया। एक मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज वायलेंट डिजायर रिफर टू, वायलेंट डिजायर किसकी बात किया, वायलेंट डिजायर। तो यहाँ पर वायलेंट डिजायर जो है वो आप लोग बोथ ए एंड बी सब पे आंसर ना करिएगा, 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक ना, क्योंकि वायलेंट डिजायर की बात किया और हमने अभी अभी आपको बताया डिजायर किससे होता है, फायर से कंपेयर किया गया था, डिजायर का कंपेयर किससे, फायर से। प्लीज सभी लोग याद करिए, ठीक है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम, इसका राइमिंग स्कीम आपको पता करना है, तो 8 का ए जो है वो राइमिंग स्कीम है, 8 का ए क्या है, राइमिंग स्कीम है। प्लीज 8 का ए इज राइट आंसर, राइमिंग स्कीम यही है, ठीक है ना, याद रहेगा। प्लीज सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लें, ए बी ए बी सी बी सी वी, ठीक है ना, एक मिनट सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सभी लोग वेरी नाइस, बहुत अच्छा, 8 का ए इज राइट आंसर। चलिए, हेलो गाइस, पकौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिटर्स। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी रहे तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 नंबर क्वेश्चन, फायर एंड आइस ए हाईली सिंबलाइज पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विकाच, क्या चीज दिया गया यहाँ पर, विकाच। तो यहाँ पर जाएगा, इट इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, हाउ द अर्थ विल क्या एंड, ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ राइट आंसर, ठीक है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया वो ऑप्शन नंबर बी इज क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ, क्या लिखा गया है, हू डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइट्स विथ, ठीक ना, हू डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइट्स विथ, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोज हु बिलीव दिस वर्ड विल एंड इन फायर, हु डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ कौन है जो ये कहता है कि ये दुनिया जो है आग से समाप्त हुई, 10 का ए इज राइट आंसर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, सभी लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, सभी लोग लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया, तो यहाँ तक था आपका 18 स्लाइड था, आपको कैसा लगा, मज़ा आया वीडियो देख करके, कैसा लगा आपको, अगर ज़रा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी भी, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, कमेंट आपका वो इंस्टाग्राम का लिंक और ये सभी चीज़ का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ ज़रूर हमें फॉलो करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दमदार तैयारी के साथ, ठीक है ना। तो एक ही वीडियो में सब कुछ, मज़ा आया सभी लोग को, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।